जैन साथियों, हम आज अब अपने इस नए लेक्चर में एक नए विषय को लेकर चलेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, लिखित परीक्षा के लिए, और जिसका नाम है मूल विधि। हम में से बहुत सारे साथी जो एलएलबी किए हैं उनके लिए यह विषय कोई नया विषय नहीं है, वह इस विषय से भली भांति परिचित हैं। उन्हें जब वो एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत सारे कानून का अध्ययन अपने एलएलबी की पढ़ाई के दौरान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत हमारे वो साथी जो अब तक एक दिवसीय परीक्षाओं में बैंक, एसएससी, रेलवे देते थे, वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस की पढ़ाई करते थे, उनके लिए यह विषय मूल विधि एकदम नया है। लेकिन किसी को भी इस अपने नए विषय से, मूल विधि से, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मूल विधि के प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगामी हमारी जो परीक्षा है उसको दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके के प्रश्न आते हैं मूल विधि में, किन-किन अधिनियमों को हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये दिखाएंगे कि अधिनियम क्या है, विधि क्या है, अपराध क्या है, अपराध को परिभाषित किन धाराओं में किया गया है और किन धाराओं में अपराध से संबंधित दंड का प्रावधान किया गया है। मूल विधि का जो हमारा पाठ्यक्रम है साथियों, इसमें हमें अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे आईपीसी, जिसे इंडियन पैनल कोड कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय दंड विधान। या इसी को कहते हैं भारतीय दंड संहिता। फिर अपने इस मूल विधि विषय में आईपीसी के अलावा हम पढ़ेंगे सीआरपीसी को। आईपीसी के अलावा सीआरपीसी, जिसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसके अलावा मूल विधि में जो कुछ स्पेशल एक्ट हैं, हम उनके बारे में भी मूल विधि के इस खंड में चर्चा करेंगे। उनके नामों के बारे में एक बार मैं
जल्दी जल्दी चर्चा कर लूं। जैसे स्पेशल और एक्ट जो है जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है SC ST एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इसके अलावा RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम आप बोलचाल की भाषा में जानते हैं सूचना का अधिकार। इसके अलावा IT एक्ट, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, MV एक्ट जिसे मोटर वाहन अधिनियम कहते हैं, चर्चा करेंगे PIL की जिसे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। हमारे वो साथी जो निरंतर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वह इस शब्द से प्रायः परिचित होंगे, समाचार पत्रों में देखते होंगे, न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, पत्र पत्रिकाओं में देखते होंगे, और इसको कहते हैं जनहित याचिका। पाठ्यक्रम में इसके अलावा हम और थोड़ा सा जल्दी जल्दी चर्चा कर लें कि और क्या पढ़ना है हमें, SC ST एक्ट, RTI, IT एक्ट, MV एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम, जनहित याचिका थोड़ा हम हिंदी में चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसके अलावा सारे अपराध जो महिला संबंधी है, चाहे वो दहेज संबंधी हो, चाहे महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित हो, जिसमें जो है बलात्कार, बलात्कार का प्रयास शामिल है, इन सारे जो अपराध महिला से संबंधित है हम उसकी चर्चा करेंगे, साइबर क्राइम के संबंध में चर्चा करेंगे, और आज उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में जो बहुत से लोगों के लिए जो नया विषय है मूल विधि, हम उसकी चर्चा शुरू करने जा रहे हैं अपने टॉपिक IPC के साथ। IPC या भारतीय दंड विधान, अठारह सौ साठ, 1860, इसको मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूं, 1860 IPC भारतीय दंड विधान 1860। अब इसको पढ़ने के लिए हम साथियों एक भूमिका पहले तैयार कर लेते हैं। भारतीय दंड विधान, भारत में जो घटनाएं आपराधिक घटनाएं घटती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजा दिलवाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है,
और इसी व्यवस्था का जो नाम है वह है आईपीसी। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे पहले जब ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस समय भी अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसी ही संहिता चल रही थी और वो आज भी चलती है और उसी का नाम है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1807। अब आईपीसी में हम इससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले कुछ हम शब्दावली के बारे में समझ लेते हैं कि इन शब्दावली का मतलब क्या है, क्योंकि ये शब्दावली जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बार बार यूज होगी, और अगर इन शब्दावली का मतलब आप जानते रहेंगे तो आप बातों को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हमने चर्चा किया कि अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यवस्था बनी है, तो पहली बात आती है कि साहब अपराध होता क्या है। अपराध होता क्या है? कानून की नजर में ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कौन सा कृत्य है जो अपराध कहा जाता है? तो अपराध हर वो कृत्य है जो विधि के विपरीत हो। अपराध क्या है? अपराध हर वो कृत्य है जो विधि के विपरीत हो, वह अपराध की श्रेणी में आएगा। हर वह काम, हर वह कृत्य जो विधि अथवा कानून के खिलाफ हो, उसे हम कहेंगे कि साहब ये अपराध है और इसे अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। जैसे एक बात है कि धीमी गति से गाड़ी चलाना चाहिए, गाड़ी चलाना तो अपराध नहीं है, लेकिन यदि आप गाड़ी चलाते समय अधिक तेज गति से गाड़ी चलाते हैं और आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, तो आपके द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिससे समाज को, व्यक्ति को अथवा संपत्ति को, जीव जंतुओं को, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, तो हम कहेंगे कि साहब उसने अपराध किया है और वह अपराध के दायरे में आएगा। हर वो कार्य जो कानून के विपरीत हो और जिससे किसी व्यक्ति के जीवन, शरीर, मान सम्मान को ठेस पहुंचे, जो पर्यावरण को नुकसानदायक हो, समाज के लिए नुकसानदायक हो,
सभ्यता संस्कृति के लिए नुकसानदायक हो, हर वो कृत्य उसे हम कहेंगे यह अपराध। अब बात करते हैं कि अपराध के तत्व क्या हैं और अपराध के स्तर क्या हैं। अब आते हैं अपराध के तत्व क्या हैं, अपराध के तत्व। अपराध के तत्व जो है वो चार तत्व होते हैं मूलतः, जिसमें पहला तत्व मनुष्य, क्योंकि उसके द्वारा अपराध किया गया। पहला तत्व मनुष्य, दूसरा तत्व उसका आपराधिक मन, उसका जो मन है अंतर मन है आपराधिक है। तीसरा तत्व अपराध का आपराधिक कृत्य, तीसरा जो तत्व है आपराधिक कृत्य और जो चौथा कृत्य है, जो चौथा तत्व है अपराध का, वह मनुष्य अथवा समाज को अपराध के माध्यम से की गई क्षति। मनुष्य समाज को क्षति, यह अपराध के तत्व हैं चार, जिसमें पहला तत्व मनुष्य है क्योंकि उसके द्वारा अपराध किया जाता है, दूसरा तत्व आपराधिक मन है, मनुष्य अपराध कब करेगा जब उसकी उसका जो अंतर्मन है वो आपराधिक होगा, तीसरा तत्व अपराध का है वह आपराधिक कृत्य, जब उसके द्वारा आपराधिक कार्य किया जाएगा, और चौथा जो तत्व है वह है मनुष्य अथवा समाज को की गई क्षति। अपराध का जो चौथा तत्व है मनुष्य अथवा समाज को की गई क्षति है, और जब अपराध किया जाएगा मनुष्य द्वारा तब मनुष्य अथवा जो अपराध समाज को क्षति पहुंचेगी उसे अपराध के चौथे तत्व के रूप में समझा जाएगा। यहां से एक प्रश्न जो है उठ सकता है मूल विधि में, कि जो प्रश्न उठ सकता है वो ये है कि मान लीजिए प्रश्न पूछ दे कि इसमें से निम्न में से कौन सा तत्व अपराध का तत्व है, और पहले विकल्प के रूप में यदि मनुष्य हो, दूसरे विकल्प के रूप में आपराधिक मन हो, तीसरे विकल्प के रूप में अगर आपराधिक कृत्य हो, और चौथे के रूप विकल्प के रूप में ऑल ऑफ द अबव हो, उपरोक्त सभी, तो जो हमारा विकल्प का चयन होगा वह ऑप्शन 4 होगा,
उपरोक्त सभी। यह बातें हुई अपराध के तत्व के संबंध में, अपराध के तत्व के संबंध में यह बातें हुई। इसमें चार तत्व सम्मिलित हैं और उसमें मनुष्य, आपराधिक कृत्य, मनुष्य आपराधिक कृत्य, आपराधिक मन, मनुष्य अथवा समाज को क्षति, यह चार तत्व अपराध में शामिल। अब हम बात करते हैं अपराध के स्तर के, कि अपराध के